आज सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता है ये मेन तौर पे जो हमारी D9 नहर है जो और मेन जो पीछे आप देख रहे हो दड़प से वो टूटी हुई है, पानी जो है वो बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा है। आप देख रहे हो पिछले दिनों कितना खर्चा करके किसान भाइयों ने धान का, अभी पैडी सीजन चल रहा है, धान लगवाई है, इतने खर्चे किए हैं, उसके बावजूद अगर समय पर पानी ना मिला तो मुझे लगता है कि नीचे वाले एरिया में हाहाकार मच जाएगा। और ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे पंच, सरपंच, BDC, DDC, हमारे बिछना एरिया में जितने भी हैं उनके लिए, क्योंकि ये लास्ट टेल एंड तक ये पानी पिछले दिनों भी नहीं पहुंचा था, तब भी बड़ा चिंता का विषय था। अभी तो चलो थोड़ा एक महीना पहले हम लेट हो गए थे साइफन बंद की वजह से, तो अभी भी आपके माध्यम से मैं ये प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस पे संज्ञान लिया जाए और नहर की जो दुरुस्ती की जाए ताकि पानी जो है लास्ट तक पहुंचे। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में, जैसे ही अभी आप देख रहे हो जो महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में अभी धान को जो है वो पकाई की तरफ जाएगी, तो पानी की जरूरत है, पानी टेल एंड तक पहुंचना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, इसका टेंडरिंग करके जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके लोगों को तक पहुंचने का चाहिए। क्या आपकी अभी तक सिंचाई विभाग से इस मुद्दे में बात हुई? इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों मेरी SC से भी बात हुई और एक्शन साहब से भी बात हुई, या अभी JE से भी बात हुई, मतलब जो भी इस प्रोटोकॉल में आते हैं, इवन के चीफ साहब को भी, और D9 जो मेरी D9 नहर है इसको लेके पिछले दिनों मैंने चीफ को, डिपकॉम को, आप देख रहे हो पिछले साल भी, इस साल तो LG तक ये जो लेटर है ये गई है कि ये जो हमारी D9 है इसका, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी सफाई जो है पिछले दिनों अच्छे तरीके से नहीं हुई थी। आपके माध्यम से ही पहले भी और आज भी और पत्रों के माध्यम से, क्योंकि मैं पिछले दिनों भी मैंने लेटर लिखी है और उसको फॉलो भी किया है। अभी इस साल जो है आप देख रहे थे पानी जो है मेन साइफन बंद था वहाँ से, तो पानी लेट पहुँचा, एक महीना पहले पानी लेट था, अब आप देख रहे हो कि ये नहर जो है वो टूटी है मेन, तो उस वजह से मुझे लगता है अभी क्या कहना है, डिपार्टमेंट जो है वो अपना जो उनका प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रही है। मेरा मानना है कि अगर प्रोसीजर को फॉलो करते रहे तो यहाँ दिन लग जाएंगे और नीचे हाहाकार मच जाएगा, हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने इन तक आना है, नहीं तो ज़्यादातर वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से यही प्रशासन से अपील है कि जल्दी से जल्दी, ताकि लोग जो है वो रूप धारण ना करें, इसका जल्दी से जल्दी काम किया जाए। सर ये हमेशा ही मुद्दा क्यों रहता है, चाहे नहरों की सफाई हो या फिर पानी को छोड़े जाने को लेकर हो? आप देख रहे हो जब से ही मैं अपने इस क्षेत्र में आया हूँ, DDC जब से बना हूँ, मेरा प्रयास रहा है D9 को लेके। तो पिछली बार थोड़ा सा हम रहे थे, इस बार तो चलो साइफन बंद था, कहीं इस बार लास्ट तक मुझे लगता है कि पानी इस बार पहुँचा है, थोड़ी सफाई में थोड़ा मेरे को देखने को मिला था, आप लोगों ने भी देखा है कि एक जो जड़ी बीट जिसको बोलते हैं वो ऊपर तक रुकी हुई थी, तो लास्ट में उसको भी निकाल के पानी जो है लास्ट तक पहुंचाया गया। तो एक मार तो पहले ये थी कि साइफन बंद हुआ, एक महीना वो लेट हो गया, पूरा एक महीना हमारा पानी लेट हुआ, जहां पानी अप्रैल में आना था वो हमें मई में मिला। और दूसरी बात जो अभी ये दड़प के पास जो टूट गया है, मुझे लगता है इसकी वजह से भी आने वाले दिनों में ये है ये किल्लत हो जाएगी और किसानों को जो है वो इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और हमें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।